नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्ष में। तो दोस्तों आज हम करेंगे हिंदी में दोस्तों व्यंजन संधि। व्यंजन संधि दोस्तों स्वर संधि तो कंप्लीट हो चुकी है, अब व्यंजन संधि करेंगे। और स्वर संधि की दोस्तों आपने वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों हिंदी के, उसमें कई चैप्टर हमने फिनिश करा दिए दोस्तों। तो अब व्यंजन संधि करेंगे, और व्यंजन संधि भी दोस्तों हमने जो दूसरा पार्ट है संधि का दोस्तों उसमें थोड़ा बहुत करा दिया है, जो ता का नियम था दोस्तों वो हमने कंप्लीट करा दिया है। अब दोस्तों चलते हैं और जो रूल इसके आते हैं, जैसे कि जो हमारे ये जो वर्ब होते हैं क ट त प, ये दोस्तों पांच वर्ब होते हैं। अब इनके साथ दोस्तों इनके ही वर्ब का तीसरा और चौथा ग और घ, इसका दोस्तों कौन सा होगा तीसरा और चौथा, ज और ज, और इसका दोस्तों ड और ड, और इसके साथ दोस्तों और इसके साथ दोस्तों ये दोस्तों हमारे दिए होंगे यहाँ पर दोस्तों ये सब, या फिर स्वर हो कोई सा भी स्वर, या फिर दोस्तों इसी के साथ य र व ल, ये दोस्तों आपको पता होगा य र ल व क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों ये क्या बनाएगा, ये हमारा बनाएगा ग आधा का, और दोस्तों दूसरा वाला क्या बनाएगा ज, तीसरा दोस्तों क्या बनाएगा ट, इन दोनों में से किसी के साथ करेगा तो दोस्तों क्या बनेगा द, चौथा वाला दोस्तों त था और थ के साथ करेगा दोस्तों तो क्या बनाएगा द और थ के साथ करेगा तो द, और दोस्तों ये प वा और वा के साथ बनाएगा तो क्या बनाएगा दोस्तों, ये जो नीचे लगा हुआ होता है इसका मतलब जैसे ग आधा है, इस प्रकार से दोस्तों ये होता है। तो अब हमको ये पता चल गए, अब दोस्तों एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहां पर दिख प्लस गज ये लिखा हुआ दोस्तों, इसका बनाए क्या बनेगा, और दोस्तों इसका देखें और बाघ प्लस ईस, तो दोस्तों देखें क और ग, क किसके साथ है दोस्तों ग के साथ, पहले वर्ग का दोस्तों पहले में चल रहे हैं तो क्या बन जाए दोस्तों ये, तो ये ग बन गया दोस्तों, इन दोनों को मिलाकर दोस्तों क्या बन गया ग, और इसको यहीं फिर उतार देना का दोस्तों, जो का है हमारा ये जो का है ये दोस्तों हमारा ये ग बना है, अब इसको यहीं तो ये क्या हो जाए दोस्तों दिग्गज, क्या हो जाए दोस्तों दिग्गज, इस प्रकार से दोस्तों ये हो जाएगा। अब इसका बना है तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों वाह, तो ये क्यों नहीं आ जाएगा, का हमारा टूटकर दोस्तों किस में आ जाएगा ग में, और दोस्तों ये क्या हो गया बाघ ईस, क्या हो जाएगा दोस्तों बाघ ईस, क्या हो गया बाघ ईस। दोस्तों अब एक चीज देखें, आप कहेंगे कि आधा, तो उसके साथ दोस्तों ये यो करके हो गया, चलो सही है ये, लेकिन इसके साथ दोस्तों ई भी तो है तो इस पे मात्रा लग जाएगी तो क्या हो जाएगी बाघ ईस, इस प्रकार से दोस्तों ये बन जाएगा। ये यहाँ पर दोस्तों क्यों नहीं बना, क्योंकि इसके बाद दोस्तों कोई स्वर ही नहीं था, ये यहाँ पर के यहाँ टूटा था, और यहाँ से दोस्तों का हमने गा में बदला था तो यहाँ पर कोई स्वर नहीं था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये जो है हमारा का किसके साथ बना था स्वर के साथ, तो स्वर की दोस्तों मात्रा इसी पे तो आएगी, जब मात्रा आ जाती है तो इस प्रकार से हम लिख देते हैं। और देखते हैं दोस्तों एक दो एग्जाम्पल, और एक दो एग्जाम्पल जब तक आप इनको नोट करें, तो दोस्तों ये बना है अच प्लस अंत का बना है दोस्तों, षट प्लस आनंद का बना है, इनका बना है तो दोस्तों ये कैसे च, च वर्ग में दोस्तों ज बन जाएगा, अ जन, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहां पर हमारा स्वर है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा ये ऊपर के तो षट, और दोस्तों जो हमारा ट है वो किस में बनेगा ड में, तो सडानन, क्या हो जाएगा दोस्तों सडानन,
ये यहाँ पर आ है, तो स्वर लगा होगा तो स्वर की दोस्तों मात्रा लगेगी, सडानंद और वो अजंत। तो दोस्तों ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट रूल पर दोस्तों, आपने उतार भी लिया होगा। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही, और आप नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं नहीं चल रहे। दोस्तों यहीं से क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाला है। अब दोस्तों देखते हैं ये जो हमारे वर्ग थे, कवर्ग कवर्ग च त त प, दोस्तों ये अब ये किसके साथ से आएंगे, जिनके साथ ये संधि करेंगे, न और म, न और म, न या म, न या म। दोस्तों इनमें से कोई भी आपको इनके साथ मिल जाए तो क्या बनेगा ये दोस्तों, बताएं जल्दी से। आपने अगर पढ़ा हो तो दोस्तों बताएं क्या बनेगा। तो जो पांचवा इस वर्ग का पांचवा जो अक्षर हुआ ना दोस्तों वो बनेगा। तो इसका क्या हुआ, इसका दोस्तों छह वर्ग में कौन सा होता है, इसमें दोस्तों कौन सा होता है, और दोस्तों इसमें कौन सा होता है, और इसमें दोस्तों ये हमारे बन जाएंगे। अब दोस्तों एक दो एग्जांपल देखते हैं इसी पर। तो एग्जांपल यहां पर आप बनाए बाक धन में, बाक धन में दोस्तों इसका बनाए। और देखते हैं सट मास, दोस्तों क्या हो जाएगा सट मास, तो इन दोनों का दोस्तों आप बनाए तो बाक में, तो दोस्तों ये वाला है तो इसका क्या हो जाएगा, ये बनेगा बा और ड बनेगा दोस्तों वार्ड में, तो ये हमारा बन जाएगा। अब सट प्लस मास, तो दोस्तों यहाँ पर मा आ रहा है, यहाँ पर ही तो मा आया था, तो यहाँ पर मा आ रहा है दोस्तों। अब इसका बन जाएगा सट ट आएगा दोस्तों, ट वर्ग में क्या है न, दोस्तों ये आएगा क्या आएगा, ये सण मास। और इनमें दोस्तों ये इस प्रकार से और लगा लेना, तो ये हमारा यू हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ये, तो ये हमारा एक और रूल दोस्तों कंप्लीट हो जाता है, इसको आप नोट कर लें। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। तो नेक्स्ट रूल दोस्तों क्या कहता है देखते हैं अभी दोस्तों। अब आप कहते हैं माँ के साथ स्पर्श व्यंजन, कौन से वाले दोस्तों स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं दोस्तों, का से मा तक जो होते हैं। और दोस्तों यरल अवयव यानी कि अंतस्थ व्यंजन, और दोस्तों ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन है। तो दोस्तों ये किस में बदल जाएगा हमारा, ना यानी इस प्रकार से दोस्तों बिंदी भी लगा सकते हैं। जैसे एक दो एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, सम प्लस पादक इसका बनाए दोस्तों, और दोस्तों अहम प्लस का, और दोस्तों एक दो और देखते हैं किम प्लस चित, इनका दोस्तों आप बनाए जल्दी से क्या बनेगा, और सम प्लस सार दोस्तों इसका हो जाएगा संपादक, इसको क्या कहेंगे दोस्तों संपादक। अहंकार, अहंकार हो जाएगा दोस्तों इसका, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों किंचित, इस प्रकार से। और दोस्तों इसका क्या हो जाएगा संसार, माँ हटकर दोस्तों क्या लग जाएगा ये लग। तो ये आपका एक रूल दोस्तों ये खत्म हो जाता है, नोट कर लें आप इनको। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। तो दोस्तों आपको री मिले, र मिले या स मिले, और इसके बाद दोस्तों आपको क्या मिल जाए न, तो क्या बना देगा दोस्तों ये न, क्या बना देगा दोस्तों न। तो जैसे
परिणाम। दोस्तों क्या परिणाम और प्रस नाम, इनका जल्दी से आप बनाएं क्या बनेगा, अर प्लस न दोस्तों इसका बनाए राम प्लस अयन, राम प्लस अयन तो दोस्तों इसका बनाया क्या बनेगा राम प्लस अयन। तो देखें दोस्तों इसका हो जाएगा आपका परिणाम, इसका हो जाएगा प्रणाम। जो ना है दोस्तों हमारा वो हमारा किसमें बदल जाता है दोस्तों न में, इसमें बदल जाता है ना। अब दोस्तों ये हरण, इस प्रकार से दोस्तों इसमें देखेंगे राम मा यण ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये वाला रूल आप नोट कर लें, अगर ये हमारे शब्द में है तो दोस्तों हमारे ना इसमें चाहे कहीं भी हो वो किसमें बदल जाए दोस्तों ना। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट रोल देखते हैं। तो आप इन सभी को दोस्तों नोट करते हुए चलें, नेक्स्ट रोल हमारा क्या कह रहा है ये देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक रोल कहता है आपका स स में बदल जाता है, कब, जब दोस्तों स से पहले, स से पहले अ या आ से भिन्न यानी अलग कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए तब दोस्तों तब ये स समय बदल जाता है। जैसे कि अभी देखें अभी धन सेख दोस्तों इसका क्या बन जाएगा, ये कैसे टूटेगा ब और ई में और यहाँ ये स, तो दोस्तों स से पहले अ और आ में से तो नहीं आ रहा है, ई आ रहा है तो क्या हो जाएगा ये दोस्तों अभी सेख। इस प्रकार से दोस्तों आपकी समझ में आया होगा ये इस प्रकार से। और तो देखें जैसे अनुसंगी दोस्तों ये न और उ में बदलना है और यहां से दोस्तों ये स आ गया तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों अनुसंगी। तो ये वाला रूल आपकी समझ में आया होगा, जल्दी से आप नोट करें दोस्तों। तो अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, जैसे दोस्तों एक कहता है कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, स्वर हो प्लस छ आ जाए दोस्तों उसके बाद तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों इस प्रकार से यानी छ से पहले, छ से पहले आधा च लग जाता है, रहता है। तो दोस्तों जैसे एक दो एग्जांपल देखते हैं दोस्तों इसके, स्वर प्लस छन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, तो देखें स से पहले दोस्तों कोई भी स्वर यानी कि ब प्लस आ में बनना और ये छ तो ये क्या हो गया हमारा, इससे पहले स्वर है अ बिल्कुल है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों स्वर छंद, क्या हो जाएगा दोस्तों स्वर छंद ये हो जाएगा। और दोस्तों एक बार देखें अनु प्लस छेद तो अब देखें ये क्या कैसे टूट रहा न और उ में और यहां से दोस्तों ये छ आ रहा है तो अब ये क्या हो जाएगा अनु प्लस छेद अनुच्छेद हो गया। तो दोस्तों ये वाला रूल भी हमारा खत्म हो जाता है। अब दोस्तों एक रूल और देखें जल्दी से, हम व्यंजन संधि को खत्म करते हैं दोस्तों फिर इसके बाद में विसर्ग संधि को भी देख लेंगे। तो दोस्तों जैसे परी आए, परी आ जाए, आ जाए तो दोस्तों क्या करते हैं हम, परी आ जाए तो दोस्तों उसमें हम स लगा देते हैं, क्या दोस्तों स लगा देते हैं, परी आ जाए तो दोस्तों स लगा देते हैं जैसे कि परी प्लस कार तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों परिष्कार। इस प्रकार से दोस्तों इसको यूं लिख सकते हैं यानी कि ये यही हो जाएगा परिष्कार। और दोस्तों देखते हैं परिकर्ता, परिधन करता तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों परिष्कर्ता,
क्या हो जाए दोस्तों, परिकर्ता। तो एक रूल दोस्तों ये आपका यहाँ पर खत्म हो जाता। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट रूल क्या कहलाए दोस्तों आपका, ये लास्ट रूल है दोस्तों, ई और दोस्तों ऊ के साथ इस प्रकार से आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये स और ठमा बदल जाएगा। जैसे दोस्तों, तो दोस्तों इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे यू डी प्लस स्थिर, यू डी प्लस स्थिर। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं द और ई में टूटा और ये यहाँ से ये आ रहा है दोस्तों, तो अब ये दोनों इस छोटी में टूटेगा। तो दोस्तों यही बन गया ना कंडीशन, है ये यू दिस थिर इस प्रकार से। और दोस्तों एक दो एग्जांपल और देखते हैं, नी प्लस स्थिर, तो यही वाली कंडीशन बन गई है दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा, निस थिर। तो दोस्तों ये टूटकर ये सा, तो दोस्तों ये जो सा है इसमें बदल जाएगा, ये दोस्तों इसमें बदल जाएगा, खत्म। और जैसा है वैसा ही बना देंगे। और एक जो एग्जांपल देखते हैं, प्रति प्लस स्थान, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से प्रतिष्ठान बन जाएगा। तो दोस्तों ये रूल हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों व्यंजन संधि आपकी यहाँ पर हो जाती है फिनिश। तो आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके बताएं। और यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि कंप्लीट दोस्तों, स्वर संधि खत्म, व्यंजन संधि खत्म दोस्तों। अब रह गया है दोस्तों विसर्ग संधि, कौन सी वाली दोस्तों, विसर्ग संधि। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों देख लेंगे और फिर आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी दोस्तों, जिसमें क्वेश्चन होंगे संधि के, उनको आप प्रैक्टिस करना। और दोस्तों इनके नोट्स की पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो आप वहाँ भी देख लेना। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।